दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि 99 रुपए में आपको पूरे एक महीने के लिए अनलिमिटेड डाटा, उसके साथ में अनलिमिटेड कॉल और साथ में नेटफ्लिक्स अमेज़न का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, वो भी बिल्कुल 99 रुपए में, तो क्या आपको बिलीव होगा? झूठ बोल रहा है। तो आप बिलीव कर लीजिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप भी इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं ये सबके लिए वीडियो है, सब इसका लाभ उठा सकते हैं, कोई भी स्पेशल ऐसा नहीं है जिसके लिए वीडियो है। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, सिर्फ 99 रुपए में पूरे एक महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल, साथ ही नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम जैसा सब्सक्रिप्शन। सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक अपना चैनल टेलीकॉम तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ट्रिक्स और एक्टिवेशन सिम से रिलेटेड हम लेकर आते हैं आपके सामने अपडेट, तो आप भी कर लीजिए अभी चैनल सब्सक्राइब। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि जो जियो कंपनी है अपनी अंबानी साहब की, उसने पोस्टपेड में प्लान लॉन्च किया है। प्लान उसका क्या है कि अगर आप कोई भी अपना नंबर जियो में पोस्टपेड कराते हो तो आपको उसमें 99 रुपीज में एक मंथ के लिए फ्री ट्रायल मिलता है। तो वो ट्रायल आपको क्या मिलता है, उसमें पूरी आपको पोस्टपेड की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है और साथ ही आपको अनलिमिटेड कॉल मिलती है, नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम जैसे उसमें मिलते हैं आपको सब्सक्रिप्शन। बट आपको अब इसमें करना क्या है, होता क्या है कि कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मेरे भाइयों ने इसको एक्टिवेट तो करा लिया, बट उन्होंने क्या किया कि 30 दिन के बाद भी वो इसको कंटिन्यू चलाते रहे। उनको पता ही नहीं था कि इसमें होता क्या है। 30 दिन के बाद जब आप इसको चला लेते हो तो 30 दिन के बाद ये ऑटो मोड पे आपके किसी ना किसी प्लान में एक्टिवेट हो जाता है। आप जिस स्टोर से इसको एक्टिवेट कराते हो वो स्टोर का जो एम्प्लॉय होता है वो ऑलरेडी इसको एक प्लान में एक्टिवेट करता है। आप या 599 के प्लान में एक्टिवेट करेगा या जो भी जियो का पोस्टपेड प्लान है उसमें आपको एक्टिवेट करेगा। बट आपको इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको अगर 99 रुपीज में ही आपको चलाना है तो आपको ओनली 30 दिन ही चलाना है इसको। 30 दिन से पहले या तो आप इसको प्रीपेड करा लें या किसी अदर कंपनी में पोर्ट करा लें। आप याद रखें, 30 दिन से ऊपर जैसे ही आपके दिन जाएंगे तो आप ये बात सोच लीजिए कि आपका पोस्टपेड का प्लान जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद जो भी प्लान एक्टिवेट होगा उसके साथ में 18% जीएसटी एड होके आपका बिल हो जाएगा जनरेट। बिल्कुल बस यही बात याद रखने वाली है कि इसको आप 30 दिन ही यूज करें, और अगर आपको पोस्टपेड के साथ कंटिन्यू रखना चाहते हो, आप जियो की फैसिलिटी से खुश हो, सर्विस से खुश हो, तो आप चाहते हो बढ़ जाना। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 99 में ही अगर प्लान का यूज करना है तो जो मैंने कंडीशन बताई वही फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्लान सब यूजर के लिए कैसे है। तो हाँ, अब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबके लिए प्लान कैसे है। अगर आप जियो के, एयरटेल के, बीआई के या बीएसएनएल के यूजर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप जियो कंपनी के अलावा किसी और के यूजर हैं तो आप अपना नंबर पोर्ट करा लीजिए। पोर्ट कराएंगे आप पोस्टपेड में, वहां पर आपको वेलकम ऑफर मिलेगा 99 रुपीज में। आप सेम वहां ये काम जो फायदा है जियो का वो ले सकते हैं। बट आप जियो के ही यूजर हैं और आप प्रीपेड यूजर हैं तो आप जियो के स्टोर पर जाइए और उनको बोलिए कि मेरा नंबर पोस्टपेड कर दीजिए प्रीपेड से, और मुझे जो जियो वेलकम ऑफर है वो मेरे नंबर पर कर दीजिए एक्टिवेट। तो आप जैसे ही एक्टिवेट कराएंगे तो आपको 99 रुपीज में एक महीने के लिए पूरा फ्री मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस वीडियो को आप कहीं भी ले जाके दिखा सकते हैं और अपना नंबर एक्टिवेट करा सकते हैं। ये पैन इंडिया में प्लान जो है वो अप्लाई है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिए।